पोर्टेबल हेलोजन हीटर और क्वार्ट्ज हीटर में ऑन ऑफ स्विच चेंज करने का तरीका दिखाने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ टू पार्ट स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है। सबसे पहले ये लेफ्ट कवर और राइट कवर में यहाँ पे एक स्क्रू दिया है, इसको निकालेंगे। राइट कवर में स्क्रू निकालेंगे। इसके बाद बैक कवर और स्विच हाउसिंग फिटिंग का जो ये तीन स्क्रू है इसको निकालेंगे। अब लेफ्ट और राइट कवर से स्विच हाउसिंग को निकालेंगे। इसके बाद स्विच हाउसिंग में से पट्टी को निकालने के लिए ये दो स्क्रू को निकालेंगे। स्विच हाउसिंग में से पट्टी निकल गई है। इसके बाद स्विच में से वायरिंग को निकालेंगे। वायरिंग स्विच में से निकल गया है। इसके बाद आपकी जो स्विच खराब है इसमें पहले ये स्विच नॉब निकालेंगे और इसके बाद ये जो स्विच के ऊपर ये दो बोल्ट दिया है इसको निकालेंगे। इस तरह से स्विच पट्टी में से ये स्विच निकल जाएगी। इस तरह से आप स्विच सब चेंज कर सकते हो। अब हम नई स्विच स्विच पट्टी में फिट करेंगे। फिट करने के लिए स्विच पट्टी के होल में ये स्विच नॉब को डालेंगे। इसके बाद स्विच का जो पट्टी के साथ सेंटर मिलाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर एक बोल्ट लगाएंगे। स्विच फिट हो जाने के बाद इसके ऊपर ये स्विच नॉब लगाएंगे। तो इस तरह से ये नॉब फिटिंग हो गया है। अब हम स्विच में वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के लिए ये जो ऊपर का जो ये कॉन्टेक्ट है इसमें पहले ये रेड जम्पर दिया है इसको लगाएंगे। इसके बाद दूसरी स्विच में और ये चार जम्पर लग जाने के बाद ये जो पहली स्विच है इसमें ये हीटर का जो रेड है इसको लगाना है। इसके बाद ये जो दूसरा जो ब्लू है, इसके बाद ये वाइट है और ये येलो वायर है, ये स्विंग का है।
स्विंग के लिए इस तरह से स्विच का वायरिंग हो गया है। और इसके बाद ये जो स्विच पट्टी है इसको स्विच हाउसिंग में फिट करना है। यहाँ पे जो दो स्क्रू है इसको फिट करना है। अब ये फिटिंग हो गई है, इसके बाद इसको वर्किंग करके एक बार देख लेना है। वर्किंग हो जाने के बाद स्विच हाउसिंग को हीटर में फिट करने के लिए दोनों लेफ्ट साइड में रखना है इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे तीन स्क्रू लगाना है। बैक कवर के साथ स्विच हाउसिंग फिट हो जाने के बाद स्विच हाउसिंग के साथ ये राइट कवर को फिट करना है। पहले बोल्ट इस तरह से इसके अंदर स्विच फिटिंग हो गई है। ये हमारा हीटर कंप्लीट हो गया है।